Hello friends and welcome to the online teaching learning material. Our subject is Industrial Instrumentation IME22420 and we are on the unit number 3, that is flow measurement, which carries 16 marks. Our today's lecture number is 15 and topic presentation on orifice split and anemometer type flow meter. Our institute vision is excellence in technical education to empower youth, and on the basis of that vision, there are 3 different missions of institute. Our electrical engineering department vision is to develop professional electrical engineers ready to face challenges in the global environment, and the mission is, on the basis of that vision, there are 3 different missions of electrical engineering department. There are 3 program educational outcomes: PO1, PO2 and PO3, and on the basis of that there are 7 POs, that is program outcomes. Our course outcomes are: student will be able to maintain different types of flow transducers, and learning outcomes are: student will be able to maintain different types of transducers used for measurement of various parameters. Well, our today's topic, first topic, is orifice split. अब ओरिफाइस प्लेट क्या होता है वो हमें सबसे पहले पता होना ज़रूरी है. ओरिफाइस प्लेट एक ऐसा डिवाइस है जो कि यूज़ करते हैं फॉर द मेजरमेंट एंड कंट्रोल ऑफ फ्लूइड फ्लो. आपने इसके पहले भी देखा होगा डॉपलर टाइप में भी, या फिर आपने रोटामीटर में देखा था. रोटामीटर में हमने एक प्लेट यूज़ किया था ओरिफाइस प्लेट. वो क्यों यूज़ कर रहे थे हम लोग? ताकि हम लोग जो फ्लूइड का जो फ्लो है वो फ्लो को हम कंट्रोल कर सकें या उसे मेजर कर सकें, उसके लिए हम लोग ओरिफाइस प्लेट का यूज़ करते हैं. इट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज मोर दैन एनी अदर फ्लो मीटर्स. द ओरिफाइस कंसिस्ट ऑफ थीन मेटल प्लेट विथ स्ट्रेट होल ड्रिल्ड इन इट. एक थीन मेटल प्लेट होता है, उस पर होल को क्या किया जाता है? ड्रिल किया जाता है. व्हेन अ फ्लूइड पास थ्रू एन ओरिफाइस द फ्लो इज ऑफन लेस देन द अमाउंट कैलकुलेटेड. जैसे ही वो फ्लूइड ओरिफाइस से आपका पास होगा, वहाँ का जो फ्लो रहेगा वो क्या रहेगा? ऑफनली कम रहेगा. द अजम्पशन इज दैट द एनर्जी इज कंजर्व्ड एंड द फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूटिंग थ्रू द ओरिफाइस इज यूनिफॉर्म एंड पैरेलल. सो दिस इज ओरिफाइस प्लेट. यहाँ हमें 4 ओरिफाइस प्लेट दिख रहे हैं. वही है कि थीन लेयर होता है एक, और उसमें हम लोग क्या करते हैं? होल को ड्रिल करते हैं. तो बेसिकली 4 प्रकार की ओरिफाइस प्लेट्स होती हैं. पहले है कॉन्सेंट्रिक ओरिफाइस प्लेट, सेकेंड इज इसेंट्रिक ओरिफाइस प्लेट, थर्ड इज सेगमेंटल ओरिफाइस प्लेट, एंड फोर्थ इज क्वाड्रेंट एज ओरिफाइस प्लेट. ये 4 प्रकार की ओरिफाइस प्लेट होती हैं. हम अभी उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे. अब कॉन्सेंट्रिक ओरिफाइस, यानी कॉन्सेंट्रिक बोर का मतलब क्या? द मोस्ट कॉमन ओरिफाइस प्लेट इज स्क्वेयर रिजिड कॉन्सेंट्रिक बोर डिज़ाइन. इट्स यूज ऑन मोस्ट प्रोसेसेस इंक्लूडिंग क्लीन लिक्विड गैसेस एंड स्टीम फ्लो. इट इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील. अदर मटेरियल्स आर निकल एंड मोनल आर यूज फॉर गुड कोरोसिव रेजिस्टिव प्रॉपर्टी. दिस टाइप ऑफ ओरिफाइस प्लेट हैज़ वेरी हाई एक्यूरेसी. सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है कॉमनली ओरिफाइस प्लेट, दैट इज स्क्वेयर इज कॉन्सेंट्रिक बोर डिज़ाइन. या देखो आपको कॉन्सेंट्रिक में देखो आपको गोल डिज़ाइन दिख रहा होगा, सो दैट इज़ नथिंग बट एन कॉन्सेंट्रिक, जो कि सेंटर में है, तो दैट इज़ नथिंग बट कॉन्सेंट्रिक बोअर. सेकेंड इज इसेंट्रिक. इसेंट्रिक बोअर ओरिफाइस प्लेट्स आर द प्लेट्स विद द ओरिफाइस ऑफ सेंटर और इसेंट्रिक एज अपोज टू द कॉन्सेंट्रिक. Location of the bore prevents accumulation of solid material or foreign particles and makes it useful for measuring fluid containing suspended solid particles. Eccentric bore orifice plates are more uncertain compared to concentric orifice. अब eccentric क्यों बोला गया है? ये डायग्राम में आप देखिए, जो आपका होल किया गया है ओरिफाइस का, वो देखिए आप, जो सेंटर है सेंटर से दूर किया है, इसेंट्रिकली बोला गया है, इसीलिए इसेंट्रिक ओरिफाइस प्लेट बोला है. कॉन्सेंट्रिक में क्या था? सेंटर में था, कॉन्सेंट्रिक था वो. अब इसमें इसेंट्रिक बोला है क्योंकि वो सेंटर से क्या है, थोड़ा सा दूर है, इसीलिए उसे क्या कहा गया है? इसेंट्रिक. अब थर्ड इज नथिंग बट एन सेगमेंटल. द सेगमेंटली बोर्ड ओरिफाइस प्लेट कंटेंस अ होल दैट इज अ सेगमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल. जो पूरा सर्कल है कॉन्सेंट्रिक, उसका एक सेगमेंट कहा जा सकता है, लाइक द इसेंट्रिक ओरिफाइस प्लेट डिज़ाइन. द सेगमेंटल होल शुड बी ऑफसेट डाउनवर्ड्स इन द गैस फ्लो एप्लीकेशंस. अब यहाँ देखिए, अगर आप देखते हो तो सेगमेंटल में देखो, जो पूरा कॉन्सेंट्रिक होता है उसका एक सेगमेंट लिया है,
सेगमेंट सभी लोगों को समझ में आता है। सो वहाँ हमने एक सेगमेंट लिया, इसी उसे क्या कहा गया है, सेगमेंटल ओरिफाइस प्लेट। एंड लास्ट वन इज क्वाड्रेंट ओरिफाइस एज बोर। द क्वाड्रेंट एज बोर इज एन ओरिफाइस विद द इनलेट एज राउंडेड। द अपस्ट्रीम साइड ऑफ द बोर इज शेप्ड लाइक अ फ्लो नोजल व्हाइल द डाउनस्ट्रीम साइड एक्ट एज अ शार्प एज ओरिफाइस प्लेट। द डिजाइन इज रिकमेंडेड टू मेजर द फ्लो ऑफ हाई विस्कोसिटी फ्लूइड सच एज हैवी क्रूड्स साइरप्स एंड स्लरीज। ये जो क्वाड्रेंट एज है ये बहुत जो लिक्विड का बहुत हाई विस्कोसिटी लिक्विड होता है उसका फ्लो मेजर करने के लिए हम क्वाड्रेंट एज बोर यूज़ करते हैं। तो हमने बेसिकली ओरिफाइस प्लेट क्या होता है वो देखा हमने, वो आपका फ्लूइड का फ्लो है उसे मेजर या कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। साथ साथ में इतने प्रकार के ओरिफाइस प्लेट है, चार कॉन्सेंट्रिक सेंट्रिक सेगमेंटल और क्वाड्रेंट एज। कॉन्सेंट्रिक का मतलब सेंटर में होल है, इसेंट्रिक का मतलब कॉन्सेंट्रिक से थोड़ा दूर से है होल, दैट इज इसेंट्रिक। सेगमेंटल यानी पूरा जो कॉन्सेंट्रिक है उसका एक पार्ट। और क्वाड्रेंट एज ओरिफाइस जो दिख रहा है वो क्या करता है, ये आप यूज़ करते हो फॉर द हाई विस्कोसिटी लिक्विड फ्लो मेजरमेंट। तो दिस इज ऑफ ओरिफाइस प्लेट। नाउ फ्लो मेजरमेंट बाय यूजिंग एनीमोमीटर। अब यहाँ आपको फ्लो मेजरमेंट यूज़ करना है बाय यूजिंग द एनीमोमीटर, या एक आपने ब्रिज लगाया गैल्वेनोमीटर यूज़ किया फॉर द मेजरमेंट। देन बैटरी है सप्लाई दिया गया है और ऊपर में आपको एक पाइप दिया गया है, वो पाइप में से क्या होगा आपका फ्लो जाएगा। और वहाँ एक आपने हीट वायर दी है, वो कितना हीटअप होगा वो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा आपका चेक करेगा। सो हॉट वायर एनीमोमीटर वर्क्स व्हेन एन इलेक्ट्रिकली हीटेड वायर इज प्लेस्ड इन अ फ्लोइंग गैस स्ट्रीम। हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वायर टू द गैस एंड हेंस द टेम्परेचर ऑफ वायर रिड्यूसेस एंड ड्यू टू दिस द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑल्सो changes. This change in resistance of the wire becomes a measure of flow rate. बहुत सिंपल वर्किंग है। इसमें क्या किया गया है, जो पाइप है पाइप के अंदर आपने एक हीट हॉट वायर रखा है। अब ये हॉट वायर को आप क्या करोगे, सप्लाई दोगे। सप्लाई दोगे तो ये हॉट ये जो हीट वायर है ये हीट होगा गर्म होगा। अब वहाँ से जो फ्लो जा रहा है या लिखा है कि when heat is transferred from the wire to the gas and hence temperature of wire reduces, और वायर का जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या हो जाएगा कम, एंड ड्यू टू दिस द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑल्सो चेंजेस। इससे क्या होगा, जो वायर का रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, और ये जो चेंज है इन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बिकम्स अ मेजर ऑफ फ्लो रेट। और इससे आप क्या कर सकते हो, फ्लो रेट को क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। सो दिस इज नथिंग बट अ फ्लो मेजरमेंट बाय यूजिंग अ हॉट वायर एनीमोमीटर। सो आई विल समराइज द टुडेज टॉपिक। आर टुडेज टॉपिक वॉज ओरिफाइस प्लेट एंड इट्स टाइप, जिसमें हमने ओरिफाइस प्लेट क्या होता है और उसके चार टाइप्स देखे। सिमिलरली हमने फ्लो मेजरमेंट देखा कि एनीमोमीटर से आप फ्लो को कैसे मेजर करते हो। सो बाय दिस द फॉलोइंग POs आर गोइंग टू बी मैप्ड। सो अप टिल दैट थैंक यू एंड कीप लर्निंग।